हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी 9th मंथ की डॉक्टर विजिट पर। मतलब 8.5 महीने हो गए 9th मंथ की, 6 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। तो 37 वीक का लास्ट डे, कल से 38 वीक स्टार्ट हो जाएगा मुझे। तो डॉक्टर ने आज बुलाया था, आज है 22 मार्च। तो जाके देखते हैं क्या अपडेट है, क्या बोलते हैं डॉक्टर। Let's see, मैं excited भी हूँ थोड़ी थोड़ी और nervous भी हूँ। देखते हैं क्या बोलते हैं finally doctor visit पे। मैं जा रही हूँ, मनु जा रही है और अम्मा भी जा रही है। तो finally हम जा रहे हैं doctor visit पर। last मतलब मुझे तो लग रहा था कि मतलब लास्ट ही हमारी डॉक्टर विज़िट होगी, कहीं आज ही डॉक्टर ये ना बोल दे कि हाँ एडमिट हो जाओ, क्योंकि ऑलमोस्ट फुल टाइम चल रहा है मेरा, एनी टाइम ड्यू है, मतलब कभी भी डिलीवरी हो सकती है ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन देखते हैं अभी क्या बोलता है। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी 22 तारीख की, तो अभी देखते हैं कि क्या बोलता है डॉक्टर। यहाँ पे मुझे ना एक मिक्स फीलिंग आ रखी है अभी इस टाइम पे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत खुश भी हूँ कि कब बेबी से मिलना होगा, कब बेबी आएगा, और हम सब मतलब टॉमू और ये सोच रहे कि कभी भी हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है और एक डर भी लग रहा है सोच सोच के कि डिलीवरी के बारे में सोच के कि नॉर्मल होगी कि सी सेक्शन होगा, क्या होगा, डॉक्टर कुछ बताएगा अभी कि नहीं बताएगा, तो देखते हैं। लेकिन तो अभी हम दिखा आए हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाती क्योंकि बहुत सारे अभी लोग थे भीड़ पे रिसेप्शन पे, तो बाद में जब होगा तब मैं शूट करूँगी अच्छे से। तो क्या कहा डॉक्टर ने, क्या बोला, मैं आपको आगे अच्छे से बताती हूँ कि क्या बोला है डॉक्टर ने। अभी फ़िलहाल मैं घर पर आके और काफ़ी लेट हो गया था, मतलब 9:30-8:30 बज गए होंगे, तो मैंने सोचा फटाफट कुछ खाने को बना लेती हैं। तो अम्मा के लिए तो मैंने रोटी सब्जी बना दी थी, और फिर लगभग 9:30-11 बजे के लगभग मैंने और अपने लिए मतलब टॉमू और अपने लिए सोचा फटाफट बिरयानी बनाती हूँ, बिरयानी खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने बिरयानी बना ली फटाफट से। हाँ तो चमकाया गाड़ी, हाँ इतनी देर से देख रही हूँ, आधे घंटे से बस। अच्छा बेबी कभी भी आ जाएगा तो मौका नहीं दोगे, इसलिए गाड़ी चमकाई जा रही है ना। सही है, अगर बेबी बॉय होगा तो ब्लू बैलून और बेबी गर्ल होगी तो पिंक बैलून लगाने हैं गाड़ी में, समझे? प्रिंसेस, प्रिंसेस आई तो पिंक और प्रिंस आया तो ब्लू। तो ये है अगले दिन की वीडियो, मतलब अगले दिन का मनु ऑफिस चाय थे तो उनके लिए वही चाय वगैरह सब कुछ मैं बना रही थी, और हम दोनों मतलब खुश भी एक्साइटेड। तो जैसे एक दिन पहले हम डॉक्टर विजिट पे गए थे तो डॉक्टर ने एक्चुअली हमें कुछ सिम्टम्स बता दिए हैं कि एक्चुअली मतलब उन्होंने बोला है कि आपको 1 हफ्ते के बाद फिर आना है, 1 हफ्ते के बाद की डेट दे दी है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है जैसे कि अगर आपको 1 हफ्ते के बीच में ये फीलिंग हो, ये सिम्टम्स हो, तो आपको रुकना नहीं है, तुरंत हॉस्पिटल आना है। 24/7 कभी भी आपको कोई भी फीलिंग आती है तो आप आ सकते हैं। और शाम को हम बना रहे थे मतलब भेल पूरी बना रहे थे, मतलब मेरा मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने के लिए, तो मैंने अपने लिए और अम्मा के लिए भेल पूरी बनाई। टॉमू तो खाएंगे नहीं, उनकी डाइट ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए। तो यहाँ पे जैसे कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर आपको 1 हफ्ते के अंदर कुछ सिम्टम्स लगते हैं, जैसे कि आपको पेन स्टार्ट हो जाता है या फिर वाटर ब्रेक लीक हो जाता है, या बेबी का अगर मूवमेंट वगैरह भी थोड़ा सा भी कम है, या ब्लीडिंग वगैरह कुछ होती है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है। 24/7 खुला रहता है, आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। तो बस, तो मैं
मैंने सोचा अभी तो मैंने सारा सामान रख लिया है अपना बेबी का, लेकिन अच्छे से पैक नहीं किया था, तो अभी रात का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कहीं पे रात में इमरजेंसी ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा पैकिंग जो भी मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया मैंने सामान रख लिया है अपने और बेबी का। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। और इस वाली वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और मैंने अपने लिए और बेबी के लिए क्या क्या बैग में रखा है, क्या क्या एसेंशियल चीज़ें रखी हैं, उसका वीडियो मैं अलग से डालूँगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी टेम्परेरी पैकिंग की है मैंने बेबी और अपने लिए, तो आगे देखते हैं। अभी मैं दोनों के अलग अलग एक बैग बनाऊंगी, एक बेबी का अलग और अपना अलग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय, टेक केयर।